हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हसन क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज देखिए इस तरह का एक जेंट्स स्वेटर का पैटर्न कह लीजिए, कार्डिगन में डालिए या फिर आप किसी भी टॉप में डालिए, बट ये बता दूँ आपको, ये बॉर्डर के ऊपर आता है ये डिज़ाइन। मतलब 2x2 बॉर्डर बनाते हुए आप थक चुके होंगे, तो ये इसका नया एडिशन है। आप 2x2 ही बॉर्डर बनाओगे बट थोड़ा स्टाइल से, तो इसका डिज़ाइन भी थोड़ा स्टाइलिश आएगा। देखिए इस तरह का बॉक्स पैटर्न, जो दूर से बोलिए और करीब से देखिए, जहाँ से भी देखिएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ऐसे देखिए 3D वाला उभरता हुआ, देखिए इस तरह का साइड से दिखाएं आपको, बॉक्स निकल के आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। बट दिखने में जितना डिफिकल्ट है, बनाने में उतना ही इजीएस्ट है, बहुत ही इजीएस्ट वे में बनती है। जस्ट 2 रॉ में कंप्लीट होती है और आपको ये 2 रॉ ही रिपीट करने होती है, एकदम सेम आपको 2 रॉ रिपीट करेंगे हम, और इस तरह का पैटर्न बनेगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया पैटर्न। तो इस पैटर्न के लिए आपको बता दें फ्रेंड्स, इवन नंबर की आप फंदे लीजिए, मतलब जो मल्टीपल फंदे हो उस तरह का फंदे लीजिए, एंड उसके साथ आप प्लीज़ +2 कर लीजिएगा 2 एज स्टिच के लिए। अगर एज स्टिच आप रखोगे तो इस डिज़ाइन में बहुत ही लाभदायक होगा, मतलब ये एज स्टिच इस डिज़ाइन में बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पर बहुत अच्छा हम एज स्टिच की हेल्प से बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए इसको अभी बनाते हैं। देखिए ऐसे मल्टीपल हो इस तरह का फंदा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 28 फंदे लिए हैं। आप इसमें डबल फंदा, डबल हो इस तरह का फंदा लीजिए, उसके साथ 2 फंदे एज स्टिच के लिए ले लेंगे, ठीक है। इवन नंबर का फंदा, जैसे मैंने यहाँ पर 26 फंदे लिए हैं और +2 कर लिया है इसका एज स्टिच के लिए। जो फर्स्ट रो आप जैसे बनाते हैं ऐसे बना लीजिए, ये फर्स्ट रॉ में आप जैसे उल्टे बनाते हैं नॉर्मली, इस तरह का उल्टा बना लीजिए, नॉर्मली इसे इस रो को ऐसे ही उल्टा बना लें। इसके बाद देखिए एक बेसिक रॉ होती है, बेसिक रॉ के बाद डिज़ाइन डाला जाता है, जो आपका बेसिक रॉ होगा इससे पहले बना लेंगे। तो बेसिक रॉ का सिस्टम क्या है, देखिए ये एज स्टिच है, एक फंदा ऐसे उतारा, उसके बाद देखिए ये 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। पहला बेसिक रॉ में, बेसिक रॉ आपको बनाना होगा, उससे पहला 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद 2 फंदा सीधा, इस तरह से रिपीट करेंगे 2 फंदा उल्टा। जैसे 2x2 का बॉर्डर होता है री बॉर्डर, उस तरह का बनाएंगे हम, 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा। बट आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में ख्याल रखना होगा 2 फंदा आपका उल्टा आए। स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको 2 फंदा उल्टा ही बनाना होगा। देखिए ये एंडिंग में हमारा 2 फंदा उल्टा है और ये एक एज स्टिच है, इसे हम सीधा बना लेंगे। अभी देखिए ये फर्स्ट रॉ है, इस फर्स्ट रॉ में हमें क्या करना है, देखिए जो सीधा है उसे हम सीधा बना लेंगे। पहला एक एज स्टिच उतारा, उसके बाद देखिए 2 फंदा सीधा। अभी देखिए नेक्स्ट में जो 2 फंदा उल्टा है उसे हम नहीं बनाएंगे, उनको देखिए अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, इसे हमें बनाना नहीं है, जरा से गौर कीजिए, इसे नहीं बनाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर से ऊल को हम रैप अप करेंगे, जैसे इस तरह से देखिए लपेटेंगे, इस तरह से अपनी तरफ से पीछे लेके गए, फिर इसे लेफ्ट में ले लिया, फिर ऊल को इस तरह से अपनी तरफ लिया, फिर लिया, एक बार हुआ, फिर से पीछे किया, ये 2 बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार बनाया। आप चाहो तो
कई बार बना सकते हो। ये देखिए 4 बार हो गया। इसके बाद दो फंदा सीधा, फिर से देखिए उनको अपनी तरफ करेंगे, दो फंदा बिना बना उतारेंगे इस तरह से पीछे करके, फिर से बिना बुने इस तरफ ले आएंगे। जस्ट दो फंदे को हमें 2 या 3 बार या फिर आप अपने हिसाब से 4 बार रैप अप कीजिए। ठीक है, 3 बार करते हैं। 3 बार के बाद दो फंदा सीधा, देखिए इस तरह से, फिर से देखिए दो उल्टे जब आएंगे हम उसी तरह करेंगे, बिना बुने उतार के इसको जस्ट दो फंदे को लपेटेंगे उल से। लपेट लिया 3 बार, अभी दो फंदा सीधा, फिर से देखिए जितना आपका पास उल्टा फंदा होगा फ्रेंड्स, आपको उल्टे को इस तरह से जस्ट रैप अप करना है। 2 3 आप अपने हिसाब से, 3 बार किया हमने दो फंदा सीधा, देखिए ये उल्टा फंदा, इसे हमें बनाना नहीं है, हमें एक बात ख्याल रखना होगा, सिर्फ इसके ऊपर से हमें हम इसे पैंस लगा रहे हैं, बनाना नहीं है। इस तरह से हर उल्टे को इस तरह से आप बना लीजिए और लास्ट में आपका 2 सीधा आना चाहिए। लास्ट में देखिए एंड में 2 फंदा सीधा और एज स्टिच इसे उल्टा बना लेंगे। देखिए ये सेकंड रॉ है, सेकंड रॉ में हमें क्या करना है, देखिए सेकंड रॉ में डिज़ाइन को थोड़ा अलग दिशा में हम लेके जाएंगे। मतलब देखिए ये पहला फंदा एज स्टिच उतारेंगे, उसके बाद देखिए एक फंदा हमें उल्टा बनाना है, दूसरा फंदा हमें उल्टा नहीं बनाएंगे हम। दूसरा फंदा हमें देखिए ये जो दोनों रैप अप किया हुआ फंदा है जो हमारा सीधा है, इन दोनों के पास अंदर इसे लाना है। मतलब इस उल्टे को छोड़ के मैं ये फंदा उनको पीछे करके पहले इसे सीधा बनाएंगे इस तरह से, देखिए किस तरह से, उसके बाद देखिए इसे बनाएंगे तो इसे वापस उनको अपनी तरफ करेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे। अभी दोनों इकट्ठा छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इस सीधे को छोड़ के हमें ये उल्टा फंदा बनाना है, तो हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से ये उल्टे फंदे को पकड़ के देखिए यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे और इसे इस तरह से डाल के देखिए उल्टे को बना लेंगे, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अभी देखिए इस ये जो उल्टा फंदा है इसे इन दोनों के बीच में लाएंगे, तो पहले एक सीधा बनाएंगे इसको छोड़ के, उसके बाद उनको अपनी तरफ करके इसे उल्टा बनाएंगे, दोनों को छोड़ेंगे। देखिए इस उल्टे को यहाँ पर लाएंगे, बाद में इसे बनाएंगे, पहले उल्टे को इस तरह से नीडल से आप पकड़ के रख के निकाल लीजिए, उसके बाद इसे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे कीजिए, इसे सीधा बनाएंगे। फिर से देखिए उल्टे को छोड़ के पहले रैप अप किया हुआ ये सीधा बनाया, उसके बाद अपनी तरफ करके इसे उल्टा ही बनाना है। अभी देखिए इस तरह से निकाल के एक उल्टा पीछे किया, एक सीधा, देखिए इस तरह से छोटा छोटा गांठ बन रहा है, जैसे जो चावल की जो छोटा छोटा प्लांट होते हैं ना उसको जैसे बांधते हैं उस तरह का दिखेगा पहला एक उल्टा।
इसको देखिए यहाँ पर लाना है, से उल्टा बनाएंगे पीछे करके एक सीधा, इन दोनों के बीच में इसे लाएंगे, हर दोनों के बीच में आपको एक उल्टे को लाना है, इसलिए पहले हमें सीधा बनाएंगे उसके बाद उल्टा। अभी फिर से इस उल्टे को लाएंगे, मतलब दो उल्टा और दो सीधा हमारा हो रहा है। देखिए मिडिल में दो सीधा उल्टा आ गया और एक सीधा है, इसे और एक सीधा बनाएंगे, मतलब इसको दो सीधा दो उल्टा चाहिए, अभी एक उल्टा, अभी इस उल्टे को लाएंगे तो दो उल्टा हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर एक सीधा होगा और एक उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज करने वाला कोई नहीं है, किसी को भी हम चेंज नहीं कर सकते, ये एज इज टीच है, इसे सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये थर्ड रॉ है, यहाँ पर देखिए जो उल्टे फंदे हैं फिर से हमें उसे रैप अप करना है, एक फंदा देखिए उल्टा उसके बाद एक फंदा सीधा होगा। आप एक बार जरा ऐसे खोल ले, हम दिखाते हैं आपको एक बार एक चीज। हमने यहाँ पर एज स्टिच तो ले लिया है, इसलिए खोल रहे हैं आपको दिखा रहे हैं। ये जो सीधा फंदा है, आप चाहो तो ये जो एज स्टिच है इसे भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, इसे भी यूज करके इसे सीधा बना सकते हो। ये उल्टा बन गया, ये दो सीधा हो गया और ये एज स्टिच आपका बन गया है। देखिए आपका ये एज स्टिच को लेके, इसलिए हमने एज स्टिच लिया है, देखिए ये एज स्टिच आपका बन गया, उसके बाद आपका दो उल्टा फंदा है। तो उसी तरह से सेम करेंगे उल्टे फंदे को, देखिए इस तरह से रैप अप करेंगे थ्री टाइम इसे, देखिए तीन बार हुआ, अभी दो फंदा सीधा, फिर से दोनों उल्टे फंदे दिख रहे हैं इसे, इस तरह से ही तीन बार लपेटेंगे उल से। आप चाहो तो चार बार या पांच बार भी बना सकते हो अपने हिसाब से, तीन बार लपेटने के बाद दो सीधा, उनको वापस करके देखिए फिर से उल्टा फंदा, तीन बार लपेटेंगे, दो हुआ ये तीन, उसके बाद दो फंदा सीधा। इस तरह से ये थर्ड रॉ भी कंप्लीट करेंगे, उल्टे को लपेटेंगे सीधा को सीधा बनाएंगे। देखिए फोर्थ रॉ, यहाँ पर फिर उसकी तरह हम करेंगे सेम। देखिए ये एज स्टिच है, आप चाहो तो इसे भी इसके अंदर डाल सकते हो, मतलब देखिए एक्स्ट्रा है इसलिए इसे ले रहे हैं। मतलब पहला फंदा सीधा, उसके बाद देखिए ये स्टिच को हम उल्टा बना रहे हैं, दो फंदा एक साथ गिराया, अभी देखिए एक उल्टा हो गया, अभी इस उल्टे को लेंगे, दो उल्टे बन गया, अभी एक सीधा, एक सीधा है, एक सीधा बनाएंगे, इसको बना लेंगे। इसके बाद इस उल्टे को बनाएंगे,
अभी देखिए इस उल्टे को, एक उल्टा बनाया, अभी एक सीधा है, एक सीधा बनाएंगे इन दोनों में से। एक उल्टा, अभी देखिए इस उल्टे को ले आएंगे यहाँ पर, एक सीधा, इस उल्टे को छोड़ के इस सीधे को बनाएंगे तो दो सीधा हो गया। इस डिज़ाइन में फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखना होगा, किसी भी टाइम में आपको दो सीधा दो उल्टा इस तरह का सिंपल नहीं बनाना होता है, हर रॉ में आपको डिज़ाइन डालनी होती है। एक बार लपेटेंगे और एक बार इधर उधर करेंगे, तो दो सीधा दो उल्टा ही आता है आपका, बट थोड़ा घुमा फिरा कर लेंगे। जस्ट इजी है, इजीएस्ट वे से बनती है, बट दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। बट ये 2x2 का ही डिज़ाइन है। इस 2x2 को हम जस्ट घुमा कर लेंगे, इसी हिसाब से लेते हैं, बट इसे बनाएंगे, इसे सीधा नहीं। एक सीधा बनाया, इसे सीधा बनाया, एक उल्टा, इस उल्टे को बनाएंगे इस तरह से निकाल के। सेम तरीका जो फर्स्ट रॉ में, सेकंड रॉ में जिस तरह से हमने बनाया है, देखिए ये सीधा, उसके बाद ये उल्टा। अभी देखिए ये लास्ट का, इसे ले लेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे क्योंकि एज स्टिच, और ये एज स्टिच ये सीधा बन गया। देखिए फ्रेंड्स इस तरह का डिज़ाइन बन के तैयार होता है। दिखने में ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। देखिए कुछ रॉ बनाएंगे तो इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा, थोड़ा बॉक्स पैटर्न है, इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। फ्रेंड्स वो पहला वाला आपको दिखाए, आप कुछ देर बनाने के बाद आपको इस तरह का लुक आएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न, बहुत ही बढ़िया, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। 3G वाला देखिए इस तरह का बॉक्स, तो ये बॉर्डर सिंपली रिब के ऊपर होगा और बहुत ही बढ़िया। थैंक यू फ्रेंड्स, बनाते रहिए।